और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से आशीष मिश्रा की रिहाई का कागज जेल पहुंच चुका है। जेल अधीक्षक ने एबीपी गंगा को जानकारी दी है और अब किसी भी वक्त आशीष मिश्रा की रिहाई हो सकती है। तिकुनिया कांड में लखीमपुर जेल में इस वक्त आशीष मिश्रा बंद है, जिसे आज जमानत मिलनी है और अब ये जानकारी मिल रही है, ये अपडेट मिल रहा है कि आशीष मिश्रा की रिहाई का जो कागज है वो जेल पहुंच चुका है। जेल अधीक्षक ने एबीपी गंगा को जानकारी दी है और अब किसी भी वक्त आशीष मिश्रा की रिहाई हो सकती है। तो कुछ ही समय बाकी है जब आशीष मिश्रा की जमानत होनी है और अब ये जानकारी मिल रही है कि जो रिहाई का कागज है वो जेल पहुंच चुका है। जेल अधीक्षक ने खुद एबीपी गंगा को ये जानकारी दी है। और नीरज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, कितना और समय लग सकता है जेल से बाहर आने में आशीष मिश्रा को? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं, यहाँ जेल के सामने बिल्कुल सुरक्षा के चार चौबंद इंतजाम भी कर दिए गए हैं और अभी लगभग कुछ ही मिनट पहले यहाँ पर जेल में कागज हो चुके हैं आशीष मिश्रा के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जमानत दी थी, जिसके बाद काफी इंतजार था यहाँ के लोगों के लिए और उसके बाद अब जो है कुछ ही समय बाद आशीष मिश्रा की रिहाई हो जाएगी। आशीष मिश्रा जो है तिकुनिया हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं और उनकी अब इस समय जो है अंदर जो है जो कागज पहुंचे हैं उसका निरीक्षण के बाद उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, जैसा कि अंदर से सूत्रों से जानकारी मिली है और कुछ ही समय बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। जी, क्या जानकारी मिल रही है नीरज, अभी क्या प्रोसेस चल रहा है अंदर, क्योंकि कागज पहुंच चुका है, कितना समय लगेगा, क्या अभी प्रोसेस चल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल, जानकारी ये मिली कि आधे घंटे के अंदर लगभग वो बाहर आ जाएंगे और अंदर जांच पड़ताल, कागज की जांच पड़ताल की जा रही है, मिलान किया जा रहा है और स्वास्थ्य के संबंधित भी जांच की जा रही है, उसके पश्चात ही उसको बाहर निकाला जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। और वहीं जो सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो चाक चौबंद सुरक्षा के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की गई है और पास ही में उनका घर है, जो कि दूर भी नहीं है, कुछ ही दूरी पर, आधा किलोमीटर से दूरी पर उनका घर है। जल्द से निकल कर सीधे आवास पर ठीक है। नीरज, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जेल अधीक्षक ने एबीपी गंगा को एक्सक्लूसिव जानकारी दी है और कुछ ही समय बाद जेल से बाहर आ सकता है आशीष मिश्रा। आगे बढ़ेंगे, गाजियाबाद में पिछले कई सालों से इंदिरापुरम में बन रहा कूड़े के पहाड़ नगर निगम धीरे धीरे हटा रहा है। गाजियाबाद नगर निगम ने कूड़े के पहाड़ की कुछ लैंड में कचरे को हटाकर निस्तारित किया है, तो वहीं कुछ लैंड पर नगर निगम वृक्षारोपण भी करेगा। दरअसल गाजियाबाद की पौश इलाके इंदिरापुरम के बीचों बीच डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था। एनजीटी के आदेश पर इसकी जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई और इंदिरापुरम के शक्ति खंड में कुछ लैंड पर समतल किया गया है। दरअसल कूड़े के पहाड़ पर गाजियाबाद नगर निगम पर एनजीटी ने 150 करोड़ का जुर्माना लगाया था, जिसे अब ठीक किया जा रहा है। उन ऐसी जगहों पे जहां कूड़े हैं वहां पे हम लोग कुछ ऐसी पद्धति है, मियावा की पद्धति है, फिर चूंकि बहुत बड़ा अमाउंट उसमें लगना है तो हम लोगों ने उसको CSR फंड से कराने का सोचा है। तो एक रामवीर जी हैं जो इसमें हम लोगों का सहयोग करते रहते हैं, तो लगभग 40 से 50 हज़ार पौधे वहाँ पे लगने हैं। जहाँ जहाँ साफ़ हो गया है पूरा, आपने देखा होगा आधे से ज़्यादा जगह साफ़ हो गई हैं, तो उन जगहों पर लगभग शुरुआत में 15 हज़ार के करीब और पूरा कवर करने में लगभग 40 से 50 हज़ार पौधे वहाँ पर लगाए जाएंगे। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के पौश इलाके इंदिरापुरम में, जहाँ पर आपको चारों तरफ की तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं कि यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं और उसके बीच में ये कूड़े का पहाड़, कूड़े का ढेर। आप पहले ये तस्वीर देखिए कि ये कूड़े का ढेर है, कूड़े का पहाड़ है। इसके बाद जो यहाँ के जो लोग थे, RW के जो लोग थे, वो यहाँ से NGT में गए और NGT ने गाजियाबाद नगर निगम पर लगाया 150 करोड़ रुपये का जुर्माना, वह 50 करोड़ का जुर्माना लगाया GDA पर, तो 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। जिसके बाद NGT ने साफ आदेश दिए कि यहाँ पर यहाँ से कूड़ा उठा लिया जाए और धीमी गति से कार्य चल रहा है। धीमी गति चल रहा, लेकिन राहत वाली बड़ी बात यह है कि थोड़ा बहुत अब यहाँ से, पर राहत भरी है कि इसमें एक शुभ ये बात है सबसे बड़ी कि अब कुछ काम होने लगा है, मिट्टी गिरने लगी है, काफ़ी कूड़ा हटने लगा है। 10,000 पेड़ पौधे इस जगह पर लगाए जाएंगे, ये एक राहत भरी बात है। लेकिन ये भी आरोप है कि यहाँ से जो कूड़ा उठाया जा रहा है वो धीमी गति से उठाया जा रहा है, यानी कि आराम आराम से उठाया जा रहा है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।